नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। प्राइम टीवी की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और ऐसे में हर तरफ माहौल तिरंगामय हो गया है, क्योंकि इस बार 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया गया। पूरे साल अमृत महोत्सव का जश्न देखने को मिला। हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया गया, जिसके तहत 20 करोड़ झंडे लगाने का लक्ष्य रखा गया। हर घर तिरंगा, यानी कि हर घर पे एक तिरंगा जरूर लगाने की अपील की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा। अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ तिरंगे लगाने के लक्ष्य रखा गया था। तो वहीं आज सुबह से ही जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। यूं तो हर बार 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिलती है, लेकिन जिस तरह से देश ने 75 साल पूरे करे हैं, पूरे साल जश्न का माहौल देखने को मिला, तो वहीं 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, जहां अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, कई रैलियां निकाली गई, हाफ मैराथन भी निकाले गए। और आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां लाल किले पर तिरंगा फहराया, तो वहीं उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा फहराया। बात करें उत्तराखंड की, तो वहां पे भी सीएम धामी ने तिरंगा फहराया। सभी जगह अलग अलग राज्यों में सभी मुख्यमंत्रियों द्वारा तिरंगा फहराया जा रहा है। देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम है। स्कूली बच्चों द्वारा भी अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज कई भव्य कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। और तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे संवाददाता विभांशु लखनऊ से। विभांशु, आज अमृत महोत्सव की धूम तो पूरे साल हमने देखने को मिली ही है, और अगर बात करी जाए आजादी के पर्व की, तो आज भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। लखनऊ में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है सुबह से ही? पूरा देश पूरे जश्न को मना रहा है, और आजादी जो हमने 75 साल पूरी कर ली है, उसकी वर्षगांठ को कश्मीर से लेकर चाहे कन्याकुमारी तक देखा जाए, तो आज देश एक रंग में रंगा हुआ है। हर एक मजहब, हर एक पंथ के लोग आज सबको पर तिरंगा लेकर और इस आजादी के पर्व को मना रहे हैं। और इस वक्त में मौजूद हूँ लखनऊ विधानसभा के ठीक सामने अटल चौक पे, जहाँ देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि कैसे लोग आजादी के इस महापर्व से सम्मिलित होने आए हुए हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि जहां एक तरफ पक्ष विपक्ष चाहे बात की जाए, हर एक तबके में या किसी संस्थान में हर एक जगह पे तिरंगा फहराया जा रहा है, और देशभक्ति गीतों से जो देश में के अंदर में जो आजादी का अमृत महोत्सव है, प्रतिष्ठित वर्षगांठ है, उसको उसको मनाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि इस उसको मनाया जा रहा है, साथ ही साथ आपको इसे हम आजादी को महसूस कर रहे हैं। इसे पाने में जिन लोगों ने बलिदान दिया, चाहे बात की जाए नरम दल चाहे गरम दल, उन सभी महापुरुषों को याद करके आज हम आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और वही आपको बताएं कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से की प्राचीर से तिरंगा फहराए, तो वहीं लखनऊ विधानसभा पे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा फहराया। वहीं आपको बताएं कि तमाम जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनकी तरफ से ध्वजारोहण का भी कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है, इसमें खास ये होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लक्ष्य तय किया था कि 4.5 करोड़ झंडे उत्तर प्रदेश के अंदर में लगाए जाएंगे। साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से 20 करोड़ झंडे लगाने का लक्ष्य रखा गया था, और इसमें ये लक्ष्य लगभग पूरा होते हुए दिख रहा है। वहीं आपको बताएं कि अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए, तो जब ध्वजारोहण होता है, उससे ठीक पहले ट्रैफिक ब्रेक करके 5 मिनट तक पूरे लखनऊ के जो पूरे लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था को रोकी गई, और हर एक जगहों पे हर एक ट्रैफिक की जहां स्पीकर होते हैं उस पर राष्ट्रगान चलाया गया, जिससे सड़क से लेकर और संसद विधानसभा हर एक जगह पे आज लोग आज़ादी के इस पर्व को मनाते हुए दिख रहे हैं। जी विभांशु, जिस तरह से आज के दिन सभी जगह छुट्टी होती थी, सिर्फ जो कार्यालय होते थे वो स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए तिरंगा फहराने के लिए खुलते थे, उसके बाद सबकी छुट्टी हो जाती थी, कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस बार आदेश दिया गया था कि सभी संस्थान खोले जाएंगे, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, जश्न मनाया जाएगा, तो क्या आज भी भीड़ देखने को मिली सड़कों पर और दिनों की अपेक्षा? जी बिल्कुल शिखा, आपको बताएं कि अगर बात करें तो आज सभी संस्थानों के अंदर में तिरंगा फहराने की बात कही गई थी।
साथ ही लगभग जो स्कूल कोरोना के बाद से ऑनलाइन चल रहे हैं उसमें भी कहा गया था कि आप झंडारोहण कार्यक्रम के लिए स्कूलों में आए और अपने बच्चों को जो वहाँ पढ़ते हैं उनके साथ में आप झंडा फहराएं। उसी को मैं बताएं कि भारत के इतिहास में पहली बार मदरसों के अंदर में भी झंडा फहराया जा रहा है। वहीं आपको बताएं कि कश्मीर के अंदर में अगर बात की जाए, चाहे कन्याकुमारी आखिरी छोर तक, आज देश के अंदर में तिरंगा फहरा रहा है। और जो इस तमाम सेनानियों की जो बलिदान थे, उनके योगदान थे देश को जो स्वतंत्र रूपी खुला आसमान, आज़ाद आसमान दिखाने में, तो उन सभी लोगों को याद कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो तमाम लोगों ने आज झंडा फहराया है। और वहीं आपको बताएं कि इन संस्थानों के साथ साथ तमाम बोर्ड और जो तमाम जिम्मेदारान हैं अनेकों जगहों पर झंडा फहरा रहे हैं। साथ ही साथ हर घर तिरंगा अभियान के तहत झंडा अधिनियम 2002 में बदलाव करते हुए हर घर में तिरंगा फहराने की अनुमति दी गई है। इसमें भी आपको बताएं कि लगभग सभी घर में अगर देखा जाए तो सभी घर आज तिरंगे से पटे हुए हैं और इस आज़ादी को पर्व को मनाने के लिए लोग बेहद उत्साहित थे। और ये उत्साह आज जब झंडा फहराया गया उस समय सड़कों से लेकर और हर एक जगहों पर देखा गया। वहीं सिख आपको बताएं कि जो सबसे पहले झंडा आज लाल किले फहरता, जिसके ठीक बाद सभी जिला मुख्यालयों पे, साथ ही साथ विधानसभा पे एवं तमाम जगहों पे झंडा फहराने का कार्य हो चुका है। जी विभांशु, हम चाहेंगे कि आप हमें तस्वीरें दिखाएं किस तरह से लखनऊ तिरंगे रंग में लीन नजर आ रहा है और साथ ही साथ जो इंतजाम इस बार अनोखे देखने को मिले हैं, लाउड स्पीकर लगाए गए हैं हर चौक चौराहे पे और देशभक्ति के गीत से पूरा देश प्रदेश गूंज रहा है। हम चाहेंगे कि आप हमें वो तस्वीरें भी दिखाएं। साथ ही साथ अगर बात करें जनता की, तो जनता भी पीछे नहीं है, उत्साहित काफी नजर आ रही है और सुबह से ही लोग मौजूद हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कैसा माहौल देखने को मिला, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को इजाजत मिली है घर से बाहर निकलने की, इस तरीके के कार्यक्रम में शामिल होने की, तो लोगों के चेहरे क्या खिले हुए नजर आए? जी बिल्कुल शिखा, आप देख सकती हैं तस्वीरों में कि लोग तिरंगा लेकर और इस आज़ादी के पर्व को मनाने के लिए विधानसभा के ठीक सामने आए हैं। साथ ही साथ जो अगर बात की जाए वेशभूषा की, तो लोगों के द्वारा आज तिरंगे के कपड़े भी पहने गए हैं। बहुत उसमें तिरंगा जैसा नहीं है, मगर जो ट्राई कलर है उसके कपड़े भी लोगों के द्वारा पहने गए हैं। वहीं आपने देख सकती है तस्वीरों में कि हर वर्ग का बच्चा चाहे बूढ़ा, हर एक व्यक्ति आज़ादी का जो ये महापर्व है इसमें सम्मिलित होने के लिए, अपनी भागीदारी जताने के लिए आज विधानसभा के सामने है। साथ ही साथ अलग अलग चौराहों पे भी झंडारोहण का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसमें भी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। साथ ही जो तिरंगा अभियान के तहत 4.5 करोड़ झंडे उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए बात किए गए थे, उसी क्रम में आप देख सकती हैं कि तमाम लोगों के हाथों में तिरंगा या झंडा है। साथ ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 8:55 पर विधानसभा के सामने जो तिरंगा को होस्ट किया गया। साथ ही आपको बताएं कि पूरी इसके लिए व्यवस्थाएं, जो कानून व्यवस्था बनी रहे इसको लेकर प्रशासन को भी मुस्तैदी के साथ तैनात किया गया है। वहीं आप तस्वीरों में आप सामने देख रही होंगी कि ठीक सामने आपके CRPF साथ ही साथ यूपी पुलिस के जवान हैं। आपको सिखाए कि हैरान करने वाली तस्वीर दिखाएंगे कि एक माता जी हैं जो कि अपने इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में सम्मिलित होना चाहती थी, मगर उन्हें सम्मिलित नहीं हो पा रही थी, तो वो ट्राई साइकिल पर बैठकर, जो व्हील चेयर होता है उस पर बैठकर इस आज़ादी के पर्व पे आई हुई हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अम्मा आप तो बहुत बुजुर्ग हैं, आपने कई सरकारें देखी, आज आज़ादी के 75वें साल हो चुके हैं, इनसे हम बात करेंगे। लेकिन शिखा आप देख सकती हैं कि ये अभी वो इच्छुक नहीं हैं और इनकी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों की वजह से वो बोलना नहीं चाहती हैं। जी और आप देख सकते हैं कि ये महिला अपने जो आज़ादी के पर्व में सभी सम्मिलित हो रहे हैं, उसी क्रम में इनकी भी इच्छा थी कि ये सम्मिलित हो। अब जो तिरंगा है विभांशु, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग तिरंगा लेकर जिस तरह से अटल चौक पे पहुंचे हुए हैं और जो कपड़े भी, वेशभूषा भी है लोगों की, तिरंगे रंग से मिलती जुलती है, देशभक्ति में लीन लोग नजर आ रहे हैं। हम चाहेंगे आप उनसे भी बात करें और जाने कि किस तरह से उनको महसूस हो रहा है। इस बार आजादी का अमृत महोत्सव पूरे साल भर मनाया गया है, अब 76वें साल की तरफ है, तो ऐसे में क्या वो उत्साहित नजर आए, क्या उन्होंने भी अपने घर पे तिरंगे लगाए हैं, कितने लोग की सहभागिता है और जब सड़कों पे निकले तो तिरंगा लेके निकले हैं, क्या भाव है उनके मन में इस वक्त? जी शिखा आप बिल्कुल चेहरों से आप देख सकती हैं
कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो काफी उत्साहित हैं इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पे। ये लोग अपनी भागीदारी देने के लिए आज सुबह से ही विधानसभा के ठीक सामने आके अपनी जो मौजूदगी है उसे जता रहे थे। यहाँ कुछ युवक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आज अपना देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, आप सम्मिलित हो रहे हैं, क्या बधाई देंगे देशवासियों को? माफी चाहते हैं, ये सुन नहीं सकते हैं, ये बोल नहीं सकते हैं, और हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, आज देश की आजादी का 75वां अमृत महोत्सव है, देश के जो आवाम है उसको क्या आप संदेश देंगे? आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी जी के मार्गदर्शन में जो ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा, ये बहुत खुशी की बात है। हमारे देश को इसकी ज़रूरत है, जो कि आज तक कांग्रेस सरकार ने पूरी तरह से नहीं किया, बल्कि बीजेपी की NDA की सरकार ने आज़ादी का महोत्सव बहुत काफ़ी अच्छे ढंग से मनाया, और इसको वीरों को बलिदान त्याग देने वालों को NDA की गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा सम्मान दिया। पुरानी कांग्रेस की सरकारें इस बात का महत्व नहीं देती थी। आज राजनीति नहीं, आज देश पे बात करेंगे। हमें ये बताएं कि आज आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं शिखा कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला, हर एक वर्ग का हर एक व्यक्ति यहाँ मौजूद है आज़ादी का जो ये महापर्व है इसमें सम्मिलित होने के लिए। एक मैम हमें ये बताएं कि आज देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? ये बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे भारत के लिए, क्योंकि इसको ये आज़ादी बहुत मेहनत बहुत शहीदी के बाद मिली है, तो ये हम सबके लिए बहुत गर्व और बहुत खुशी की बात है कि आज हम अपने आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप शिखा आपको बताएं कि यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। भाई साहब, आज अपना जो मुल्क है वो जो गुलामी थी उसे ख़त्म करके आज ही के दिन आज़ाद आसमान हम देखे थे, आज पूरा देश इसे बना रहा है, क्या कहेंगे इस पर? इस पर हम खुशी मनाएंगे और हम ये कहना चाहेंगे हमारा तिरंगा इसी तरह शान और शौकत के साथ ऊंचा रहे, एकता बनाए रखे और सभी अखंडता, एक जो देश की अखंडता है उसको ये बनाए रखे, और एक ऊंची शान के साथ हमारे सभी जितने भी इस देश में रहने वाले सब जी सके, एकता बनाए रख सके, यही कहना चाहिए। जी बिल्कुल, शिखा आपने सुना कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो देश की एकता है अखंडता है उसे बनाए रहें, और साथ ही साथ जो तमाम जो पंथ के लोग रहते हैं सब मिलकर अब देश की भागीदारी में योगदान दें। जी शिखा जी बिल्कुल, विभाषु बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए, हमें आप पल पल की अपडेट देते रहिए, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का मौका है और ऐसे में जनता भी चाहती है कि उन्हें पल पल की अपडेट मिले, देश के हर एक कोने में क्या हलचल है, कैसा माहौल है, कैसे जश्न मनाया जा रहा है, तमाम जानकारी चाहती है, और राजधानी के ऊपर भी सभी की नजरें हैं। तो इस वक्त अगर पूरे देश की बात करी जाए तो पूरा देश जश्न का माहौल है पूरे देश में और जश्न में डूबा हुआ है, क्योंकि 75 साल पूरे हो चुके हैं, पूरे साल हम लोगों ने जश्न मनाया आजादी का, 76वें साल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और ऐसे में जिस तरह का माहौल है, तिरंगामय पूरा देश हो गया है, देशभक्ति के गीतों में रमा हुआ है, पूरी अपडेट देते रहेंगे, स्वतंत्रता दिवस का जो जश्न है वो हम भी मनाते रहेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।